ये दो लोग आपके प्यार को आपका गुलाम बना देंगी। आपके रिलेशनशिप में अद्भुत चमत्कार होने वाला है। केवल और केवल 15 मिनट में सारी की सारी अव्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। दो लोग से ये काम कर लो, आपके अपने जीवन में प्यार की हर समस्या का समाधान होगा और आप तत्काल जीत जाएंगे। प्रभाव होगा सर 15 मिनट में। सामग्री दो लौंग, एक सुई और थोड़ा सा धागा चाहिए। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपके रिश्तों को, संबंधों को मधुर बनाया जाता है। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का जहाँ समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। और लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम यहीं तक स्टॉप नहीं करते, हम आपके हर रिश्तों को बाखूबी समझते हैं। हमारे यहाँ रिश्तों को ठीक करने की प्रथा चली आ रही पिछले 20-21 सालों से, और अभी तक यहाँ जो सफल हो चुके हैं उनकी संख्या है 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96% है। हम आपके साथ हर बार पूर्णतया उत्तीर्ण होते हैं क्योंकि हमें सामने से पूरा सपोर्ट और प्रेम मिलता है। हाँ, यह सच है कि यहां 4000 लोग रिसर्च कर रहे हैं। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है। उन ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है जिनको सामान्यतः पढ़ना भी एक सामान्य और साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, उन पर रिसर्च हो रहा है। और रिसर्च करके हम हर बार आपके लिए एक अद्भुत और एक नायाब टोटका, उपाय, सोल्यूशन लेकर के आते हैं जो तुम स्वयं अपने घर में करके लाभान्वित हो सकते हो। आज उसी श्रृंखला में, उसी दिशा में बात हो रही है। आज मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दो लोग से ये काम कर लीजिए, आपके रिश्ते में एक अद्भुत प्रेम बढ़ेगा, आपके रिश्ते में एक नयापन वापस आएगा, आपके संबंधों में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी शादीशुदा लाइफ में वो पल आपको फिर से देखने और समझने को मिलेंगे जो आपके कभी होते थे या आपने शायद सपने में देखे हो। दो लोग से ये काम कर लीजिए, आपका पार्टनर आपका गुलाम हो जाएगा। दो लोग से ये काम करने से, क्योंकि लोग में अद्भुत शक्ति है, जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं, जितनी भी लौकिक परालौकिक शक्तियां हैं, उनको जमीन पर उतारने के लिए लोग सबसे महत्वपूर्ण औषधि है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लौंग का वृक्ष विश्व में सबसे ज्यादा कम हवा से हिलने वाला है। विश्व में कम लोग ये जानते हैं कि लौंग का वृक्ष विश्व में सबसे ज्यादा लौकिक और परालौकिक शक्तियों से ओतपोत होता है। इसके आसपास सर्प नहीं जाता, इसके आसपास कोई भी सामान्य पक्षी नहीं जाता, इसके आसपास जलचर, नभचर और स्थलचर प्राणियों को आसपास भटकने में सोचना समझना पड़ता है। चाहे इसकी दुर्गंधी में वो बात है, चाहे इसके टेस्ट में वो बात है, रीजन कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्राणी जब तक ये वृक्ष से लगी रहती है, खास तौर से फसल के टाइम पर कोई भी प्राणी कम पास में जाता है मनुष्य को छोड़कर। दुनिया में जितना भी तंत्र मंत्र किया कराया और जितनी भी लौकिक परालौकिक शक्तियों का समावेश कर कोई काम किया जाने वाला काम है, वो चाहे पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ ही क्यों ना हो, वो बिना लौंग के संपादित नहीं होता। लौंग आयुर्वेद से लेकर के, किचन से लेकर के, सामान्य जीवन से लेकर के असामान्य जीवन में सब जगह काम आती है। और वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इसका आकार, इसका स्वरूप,
यही वो व्यवस्था है, दुनिया का पहला ये फूल है जो सूखने के बाद चढ़ाया जाता है। लौंग के आगे वो पुष्प है जो आगे लगा है, उसी की ताकत है। दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ उस लौंग से उस पुष्प को हटाने के बाद यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उसी पुष्प में है। लौंग में तो एक टेस्ट है, लौंग में तो ऑयल है, जबकि उस पुष्प में कोई भी ऑयल नहीं, लेकिन सारी की सारी शक्ति उसी में है। और ध्यान से समझना, अपने आप वो पुष्प टूटता नहीं है जब तक उसे ताकत ना लगे वहां पर, तब तक वो पुष्प लौंग से अलग नहीं होता। यानी और बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उसका आकार आपको दिल से मिलता जुलता नजर आएगा। ऊपर की ओर बड़ा होता है और छोटे नीचे की ओर छोटा होता रहता है, क्योंकि उसे तने के साथ जुड़ना होता है। अगर हम कहें कि ये दिल जैसा दिखता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर हम कहें कि शरीर से आत्मा का एक अच्छा असली संबंध है ये, आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम। प्राण कहां है? प्रेम में। शरीर, आत्मा, प्रेम अगर अलग अलग करने की जरूरत पड़े तो शायद शरीर ही अलग हो पाएगा, बाकी सब एक है। प्रेम में जब वियोग होता है, जब बिछोह होता है, तो प्राण सिर्फ होते हैं श्वास लेने के लिए, जीवंत रहने के लिए नहीं। लौंग वैसा ही काम करती है। बहुत महिमा मंडन नहीं करूंगा, सीधा बता रहा हूँ, सीधा आपको लेकर के चल रहा हूँ उपाय को। और दो लौंग से ये उपाय कर लेने मात्र से आपके जीवन में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में एक अद्भुत चमत्कार होगा। जानिए पूरा का पूरा विश्लेषण। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरु जी आपने कहा था कि मैं और मेरे पति बहुत जल्द एक साथ रहेंगे और मेरे पति की नौकरी जल्द ही दिल्ली में वापस लग जाएगी। आपकी कृपा से गुरुजी मेरे पति अगले महीने दिल्ली वापस आ रहे हैं। ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से हुआ है गुरुजी। परसों आप मेरे सपने में आए थे और आज ये न्यूज़ मुझे सुनने को मिली है कि मेरे पति की जॉब दिल्ली में कंफर्म हो गई है। गुरुजी ये सब आपका आशीर्वाद से हुआ है। थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू के अलावा बाकी सब बातें केवल मैं भावनात्मक स्तर पर समझ सकता हूँ। एक सूचना पर्वत है, हाँ, भाषा केवल और केवल उतनी देर तो काम करती है जितनी देर किसी के साथ तुम्हारा संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसके बाद तो भावनात्मक कनेक्शन होता है। भाषा से भाव ज़्यादा प्रवीण है, वरना जितने भी बेजुबान जानवर है उनसे कोई कभी प्रेम न कर पाता और उनका प्रेम समझ भी ना पाता, है ना। प्रेम को तो वैसे ही भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, भाषा प्रबंध है मात्र। प्रेम तो मुख है, कुछ नहीं जानता, मुख है, बधिर है, फिर भी बाचाल है। प्रेम की महिमा का मंडन करेंगे। सामग्री के लिए आपको चाहिए दो लौंग, एक सुई धागा। अब देखिए धागा ब्लैक रखिएगा और करना क्या है उसे बहुत 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 ईमानदारी से समझने की कोशिश करिएगा। ये सॉल्यूशन, ये उपाय अपने आप में दोनों को एक करने का, सामने वाले को अपने पक्ष में खड़ा करने का। तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया है तब भी तुम ये कर सकते हो, खराब हो रहा है धीरे धीरे तो भी कर सकते हो, बीच बीच में गड़बड़ हो रहा है तो भी कर सकते हो, अव्यवस्थाएं हो रही हैं तो भी कर सकते हो। किसी भी सिचुएशन में प्यार बढ़ाना है तो ये उपाय किया जा सकता है। जिस भी रिश्ते में प्रेम बढ़ाना हो, अपने बच्चों के साथ प्रेम बढ़ाना है तो कर सकते हो, अपने पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाना है तो कर सकते हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच में प्रेम बढ़ाना है तो कर सकते हो। सोल्यूशन बता रहा हूं, दो लौंग चाहिए बहुत साबुत तरीके से, पूरा पुष्प इत्यादि अच्छी लौंग लेने की कोशिश करिएगा। आपको चाहिए एक सुई और एक धागा। सुई और धागे के साथ सुई को लौंग के, जैसे सपोज करो ये लौंग है और ये सुई है, इसको इस प्रकार रख दीजिए और
ऐसे तीन उंगलियों से पकड़ लीजिए। अब मैं जो शब्द कह रहा हूं उसे बोलकर इसमें तीन बार फूंक मारनी है आपको। आपको बोलना है ओम धीम ह्लीम वशम कुरुकुरु स्वाहा, वशम कुरुकुरु स्वाहा। इस प्रकार से तीन फूंक मार दीजिएगा। अब ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा, आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से प्रिपेयर है कि आप किसके लिए उपाय कर रहे हैं। तो ये मंत्र में सामने वाले का नाम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या करना है, अब इसी सुई और धागे के माध्यम से अगर संभव हो सके तो सुई के पिछले भाग में सुई को आर पार कर दीजिए अगर महीन मिल रही है, और संभव हो तो ही, अगर नहीं संभव हो तो इसी सुई धागे के माध्यम से आप गांठ मार दीजिए दोनों में, दोनों को आपस में बांध दीजिए। बांधने के पश्चात गांठ लगा दीजिए और सुई को अलग मत करिए। इसको ले जा करके मैं दो तरीके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ उपाय है, इतना ताकतवर उपाय है कि इसको करने के बाद कभी कोई असफल नहीं हुआ। पहला उपाय है कि अगर आपको अकोड़ा या मंदार, मंदार बोलते हैं, मदार और मंदार दोनों ही बोलते हैं, आँख और अकोड़ा दोनों ही बोलते हैं, अकोड़ा आँख, मंदार मदार, धतूरा, इनमें से कोई भी वृक्ष मिल जाए, ऑप्शनल समीप का वृक्ष है, इनमें से कोई भी वृक्ष मिल जाए तो इसके जड़ के नीचे इसको दबा दीजिए। ये बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। अगर कदाचित जहाँ पर ये पेड़ नहीं मिल रहे हैं, जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, वो इसे कहीं भी जहाँ थोड़ा घना एरिया हो, जहाँ ज़्यादा वृक्ष हो, वहाँ ज़मीन में खोद करके इसको दबा दें तो भी इसका बहुत पर्याप्त मात्रा में प्रभाव पड़ता है। उन वृक्षों के नीचे ही दबाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कहीं अनदर भी दबाएंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। बस आसपास में वृक्ष ज़्यादा होने चाहिए, ये कोई खेत नहीं हो, अगर ये ओपन जंगल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास के साथ ये उपाय करना जितना आसान है उतना ही ताकतवर है, जितना ईजिली हो सकता है उतनी ही ज़्यादा इफेक्ट इसके अंदर है, कुछ ही मिनटों में। हाँ हाँ, 10-5 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, करते ही फर्क पड़ता है। करके देखिए, पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना, पॉजिटिव हो जाओ, सकारात्मक रहने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में, हर परिस्थिति में तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे व्यापार का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे संसार का, तुम्हारे हर एक चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।